हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चांस एंड प्रोबेबिलिटी. चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है. चांस होता है आपका मौका और प्रोबेबिलिटी होती है आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है. चांस होगा आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. प्रोबेबिलिटी होगी आपकी कि आपके पास इतनी पॉसिबल थिंग्स हो सकती हैं ये, ठीक है. चांस है. अब आपके को टू स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है. योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट. द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, कमिंग अप बोल सकते हो या राइजेस फ्रॉम द वेस्ट. सन आपका कहां से राइज करता है, कहां से आता है? कमिंग अप आता है. कहां से आता है सन आपका? ईस्ट से आता है कि वेस्ट से? ईस्ट से आता है आपका सन, तो वेस्ट से तो कभी नहीं आ सकता है. तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इम्पॉसिबल. योर सेकंड स्टेटमेंट इज इफ यू टेक अ सर्कल विद लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल ऑल्सो बी लार्जर. अगर आप एक सर्कल लेते हैं ज्यादा एरिया का, ठीक है, ज्यादा एरिया का सर्कल लेंगे तो उसकी रेडियस भी क्या रहेगी? बड़ी रहेगी. अब देखिए, अगर आपने एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल ले लिया आपने, ये अब इस एरिया का, इस सर्कल का एरिया कम है तो इसकी रेडियस क्या होगी? छोटी होगी. और इस सर्कल का एरिया आपका ज्यादा है, इसकी रेडियस बड़ी होगी. यही इन्होंने बोला है. अगर आप कोई सर्कल लें जिसका एरिया ज्यादा है तो उसकी रेडियस को भी क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा. तो ये पॉसिबल है आपका, इसलिए योर सेकंड स्टेटमेंट इज पॉसिबल. नेक्स्ट हम चलते हैं चांस पे. चांस आपका होता क्या है? अगर आपने कोई भी कॉइन लिया, इफ वी टॉस अ कॉइन कैन वी ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट वी विल गेट. अगर आपने किसी भी कॉइन को टॉस कर किया, ठीक है, क्या आप हमेशा सही बता सकते हो कि क्या आएगा? क्या आपको आपके कॉइन के टू साइड होती है ना, वन इज हेड एंड सेकंड इज टेल. तो आपके कॉइन की टू साइड है, उसमें से आप कंफर्म तो ये नहीं बोल सकते ना कि हेड आएगा या फिर इस बार टेल आएगा. आपने कोई कॉइन टॉस किया तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं. कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है. कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा. क्या पता चार बार कंटिन्यू हेड भी आ जाए, क्या पता चार बार कंटिन्यू क्या आ जाए आपका टेल भी. तो ये चांस है ना कि हो सकता है ये भी आ जाए और हो सकता है ये भी आ जाए. अब आप बिल्कुल सही एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो तो होगा आपका चांस. सेम एज इट इज, अगर आपने थ्रो की कोई भी क्या डाइस, तो वहां पे इक्वल चांस होंगे सारे नंबर्स के पास. डाइस होती है आपका, वैसे आप पासा भी बोलते हैं डाइस को. आपके पास कोई डाइस है, पासा है, उसके कितने साइड्स होती हैं? सिक्स साइड्स होती है ना, क्यूब भी बोलते हैं जिसको. उस पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड्स पे 1 to 6 तक नंबर आपके राइट डाउन होते हैं उस पे. तो आपने थ्रो की एक डाइस, तो आपके पास क्या 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है? आप डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते ना कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. तो आप जहां करेक्टली नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये आएगा, वहां होगा आपका चांस, ठीक है. एंड आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जितने आपके पॉसिबल आउटकम आएंगे वो आपकी होगी प्रोबेबिलिटी. ये एक बिल्कुल स्मॉल सा डिफरेंस है चांस एंड प्रोबेबिलिटी में. चांस तो आपका होगा कि आपका जैसे हेड एंड टेल है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. जैसे आपके डाइस पे सिक्स नंबर है तो 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं. वो तो हो गया आपका चांस कि उनमें से क्या आएगा. और आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास आउटकम क्या आएगा, वो होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है. आउटकम, पॉसिबल आउटकम आएगा क्या, वो होती है प्रोबेबिलिटी. संभावना क्या होगी आपके पास. जब when we throw a coin, then there will be two possible outcome, either head or tail, ठीक है. अब आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी है. जब आपने कॉइन को टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? टू.
तो ये क्या होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि आपका क्या आए, हेड आए, आपके पास देखो दो चांस थे, तो दो में से हेड आने का तो एक ही चांस है, क्योंकि आपके पास टोटल कितने चांस थे, एक था हेड एक था टेल। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीचे तो लिखेंगे आप जितने आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी होंगी, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, टू, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और आपके पास कॉइन है एक ही, एक बार ही थ्रो किया है उसको, तो दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। कैसे डिफाइन करेंगे आप प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब आपने कोई भी जब कॉइन थ्रो किया तो उसमें हेड भी आएगा कितनी बार, हेड आने के चांस भी 1/2 होंगे, टेल आने के भी 1/2 होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे आपका प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे आपका आता है क्या, जितने आपके पॉसिबल आउटकम थे, पॉसिबल आउटकम थे हेड आपने थ्रो किया है तो दो, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और दो में से हेड आने के चांस कितने हैं, एक चांस है, क्योंकि आपने कॉइन को एक ही बार थ्रो किया है, ओके। और नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मान लो डाइस को आपने क्या किया, थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, तो आपसे अगर कोई पूछ ले वन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप टोटल की क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम आएगा आपका नीचे। अब देखिए डाइस जब आपने थ्रो की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर हैं जो आ सकते हैं, तो 6 पॉसिबल आउटकम हैं, और उसमें से 1 आने की कितनी संभावना है, एक ही संभावना है आपकी क्या, 1 आने की। तो ये क्या बन जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। अब जैसे अगर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 2 टोटल आउटकम कितने हैं, 6। अगर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे टोटल आउटकम है आपके पास 6, और उसमें से 2 कितनी बार आ सकते हैं, जितना आपका पॉसिबल आउटकम में 2 एक ही बार आया ना, तो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।